ओसिया से बड़ी खबर है। ड्रग्स माफिया के खिलाफ राजस्थान एनसीबी और गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। गुजरात एटीएस और राजस्थान एनसीबी ने किया बड़ा खुलासा। ओसिया में एक और आरोपी की जगदीश बिश्नोई के रूप में पहचान हुई। आरोपी जगदीश बिश्नोई फरार, तलाश में जुटी दोनों टीमें। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव पहुंचे आरोपी के गांव हरलाया। हरलाया गांव में आरोपी जगदीश बिश्नोई के कृषि फार्म में चल रही कार्रवाई। जगदीश बिश्नोई हो सकता है एमडी कारोबार का मुख्य आरोपी। ओसिया जोधपुर से आपको जानकारी दे रहे हैं। आरोपी जगदीश बिश्नोई गांव में कार्रवाई। आरोपी जगदीश बिश्नोई फरार, तलाश में दोनों टीमें जुटी हुई हैं। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव आरोपी के गांव हरलाया पहुंचे हैं। एटीएस गुजरात के इनपुट पे एनसीबी की टीम ने ओसिया क्षेत्र में एक लैब को पकड़ा है, जिसमें हमारी टीम सहयोग कर रही है और इसमें एक जो अपराधी है जगदीश, उसकी तलाश हमारी टीम सरगर्मी से कर रही है और बहुत जगह दबिश दे रहे हैं और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी उसे पकड़ने में हमें सफलता मिले। ये ऑपरेशन प्रयोगशाला फर्स्ट है जो एटीएस की इंफॉर्मेशन के ऊपर एनसीबी हेडक्वार्टर ऑप्स की विंग ने संचालित किया, जिसके अंदर एटीएस अहमदाबाद, एनसीबी और हमारे राजस्थान पुलिस का सहयोग मिला हमें। और अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है इसमें और 300 करोड़ की ड्रग्स सीजर हुई है और फर्दर जो गिरफ्तारियां संभावित हैं वो इनके रिमांड लेने के बाद का प्रोसेस है। लेकिन अलग अलग स्थानों के ऊपर गुजरात में आज भी कार्रवाई जारी है, जो हमें कल आप लोगों को हम और अपडेट देंगे। और रिगार्डिंग सिरोही का है, सिरोही के अंदर जो लैब पकड़ी गई है उसमें 45 करोड़ की एमडी पूरी मिली है और उसको प्रूव भी कर दिया है एफएसएल की लैब ने, अपने गांधीनगर एफएसएल ने। और यहाँ पे जो ओसिया के अंदर है, यहाँ पे जोधपुर एफएसएल और गांधीनगर एफएसएल, उन दोनों की मदद हम ले रहे हैं ताकि इक्विपमेंट, उपकरण, रॉ मटेरियल और उनकी कितनी क्वांटिटी हो सकती है, कितनी उसकी वैल्यू हो सकती है, वो सारी चीज़ें जो है वो उन दोनों के डिसीजन आने के बाद कल। और हमारे साथ सहयोगी सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा एटीएस और एनसीबी की जो कार्रवाई चल रही है उसी को लेकर एक ओसिया के अंदर नई गांव के अंदर जो एमडी का कारोबार संचालित कर रहा था उस युवक के फार्म हाउस पे पुलिस की जांच चल रही है, दोनों टीमों की जांच चल रही है और ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र यादव भी वहां पे पहुंचे थे और पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। और इसमें एक आरोपी जगदीश बिश्नोई का नाम भी सामने आया है, जो आरोपी अभी वहां पे फरार, आरोपी की फरारी बताई जा रही है और दोनों टीमों के संयुक्त कार्रवाई से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और अलग अलग टीमें गठित की गई है। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।